अब मेरी 12 साल की बच्ची है, वो सारा कुछ अपने हिसाब से करती है, सिमरन के दो बच्चे हैं, वो सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। हमारा काम होता है उनको सुनना, समझना और एग्जाम्पल सेट करना उनके लिए। हम एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अगर मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि भाई अपना अपना प्लेट खाने के बाद उठा के सिंक पे रखो, वो नहीं रखती। लेकिन जब वो देखे, फिर बाद में जो है देख रही कि बाप और माँ जो हैं जा करके रख रहे हैं, तो एक खास उम्र में अचानक से मैंने एक डेवलपमेंट देखी है कि अब वो खुद रख रही है, है ना। सो दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली बाई वॉचिंग द एग्जाम्पल। उसी तरह से जब हम उनको देखते हैं आईपैड पे या फोन पे, तो हमारी नज़र हमेशा रहती है वहाँ पे कि वो देख क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। अभी जैसे इनके बच्चे घर पे हैं, मैं जानता हूँ कि सिमरन कई बार जो है चेक कर चुकी होंगी कि क्या कर रहे हैं, वो छूट जो है कितना देना है। एक उम्र तक आप वो डिसाइड कर सकते हैं, बट एक उम्र के बाद आपको उनको फ्लाई करने ही देना होगा। यू विल बी देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम, यू विल बी देयर कि भाई कुछ आपके साथ गलत हो तो आप मुझे आके बताओ या मैं रहूँगा तुम्हारे लिए। लेकिन जब मेरे बाप ने नहीं रोका मुझे अभिनेता बनने के लिए, अब मेरे ड्रीम चेस करने के लिए, तो मैं कौन होता हूँ अपनी बेटी को अपने बच्चों को रोकने के लिए। तो हम कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि हम जहाँ पहुँचे हैं अपने माँ बाप के उस वो जो फ्रीडम दिया था उन्होंने, हाँ। उसकी वजह से पहुंचे हैं, उनके विश्वास की वजह से पहुंचे हैं।